हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन की जो प्रश्नावली है 11.2 एक्सरसाइज 11.2 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्नावली है बच्चों, वो आपका टॉपिक जो है वो पैराबोला, जिसे हिंदी में परवलय कहते हैं, उसको हम जानेंगे, उसको हम सीखेंगे, उस पर आधारित है। तो पैराबोला क्या होती है, पहले उसके बेसिक्स को समझेंगे, अलग अलग चीज़ों को जानेंगे और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो परवलय क्या होती है, परवलय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका अभी से शुरू हो रहा है फ्यूचर। आपने परवलय के बारे में क्लास 10th से पढ़ना शुरू कर दिया था और आपको शायद पता भी नहीं है, ठीक है। सो परवलय क्या होता है बच्चों, देखो अगर फिगर की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अब देखना, मैं चीज़ें को बता रहा हूँ, ये मेरा कैपिटल, ये मेरा अक्ष है, इसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्स वाई एक्स वाला नहीं है, ये नॉर्मल एक अक्ष ले लिया हमने। अब मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, ठीक है, एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया जिसे हम एफ बोल रहे हैं, ठीक है। इस एफ को हिंदी में नाभि बोलते हैं और अंग्रेजी में फोकस बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोकस। ये पॉइंट ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया जा रहा है, तो इसकी जो मान लेते हैं कि जो लेंथ होगी वो हम मान लेते हैं कि ये 1.0 होगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमने मान लिया कि वो 1.0 है, ओके। सो आपका क्या होता है, परवलय कब बोलोगे आप, ठीक है। परवलय क्या होता है, परवलय बिंदुओं का वो पथ होता है, सभी बिंदुओं का वो पथ होता है जो एक जगह से नियत दूरी पर रहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मेरा फोकस है, ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन इससे इसको मिलाया, अब इसी के लंबवत ये एक लाइन यहाँ गई, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक बिंदु पथ, ये बिंदु बिंदु पथ ये वाला हुआ, ठीक है। तुम जो भी लोगे थोड़ा दूर दूर ले लो ताकि घिची मिची ना हो जाए, ये ले लिया, ठीक है। तुम यहाँ से ले लो, ये लिया, और फिर इसके लंबवत ये लाइन ले ली, मतलब जो दूरियाँ हैं, दूरियाँ का मतलब पता क्या होगा, जैसे मैंने इसको A1 बोला, इसको मैंने A2 बोला, इसको मैंने A3 बोला, इसको मैंने P1 बोला, इसको मैंने P2 बोला, इसको मैंने P3 बोला। परवलय में ख़ास चीज़ क्या होगी ना, परवलय तभी होगा अन्यथा नहीं होगा, जब जब ये जो FP1 है ना, ये जो आपका FP1 है वो किसके बराबर होगा, A1P1 के। आपका FP2 किसके बराबर होगा, A2P2 के, ठीक है। आपका FP3 ये किसके बराबर होगा, A3P3, ठीक है। ये चीज़ होती है, आप ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस आप ऊपर ही लो, यहाँ पर भी लोगे तब भी वही बात आएगी, ठीक है, इधर भी लोगे तब भी वही बात आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो जितने भी बिंदुओं का कलेक्शन है, ये जो मिल के एक क्या बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं, पैराबोला में ये प्रॉपर्टी आपकी हमेशा रहेगी ही रहेगी, ठीक है। पैराबोला बेसिकली बहुत चार टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप के तो नहीं, चार टाइप्स के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ। एक पैराबोला जो अभी जनरल जिसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसा हो गया, ठीक है, एक ऐसा हो गया, इस तरह आता है, एक ऐसा होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है जो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगा, एक ऐसा हो गया। तो ये जनरली चार टाइप के पैराबोला होते हैं और हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। पहले यहाँ तक आगे पैराबोला कब होगी वो आपको पता चल गया, ठीक है, तभी इसे हम पैराबोला बोलते हैं। अब पैराबोला आपने बोल दिया, ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ना, तभी इसको ना भी बोला जा रहा है, और इसके पॉइंट को मैं 1.0 बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जब कट किया, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लाइन गई है, इसे इसे बोलते हैं नेता, हिंदी में क्या बोलते हैं, नेता। तो अभी आपसे बोलेगा नेता का समीकरण निकालो वगैरह वगैरह, सब चीज़ें पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में, ये जो ये पॉइंट जो है आपका, ठीक है, ये जो पॉइंट है, मैं इस पहले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ए, इसे मैं नाम दे रहा हूँ ओ,
और इसे मैंने नाम दे दिया एफ। तो ये जो ओ है बेटा वो मेरा शीर्ष है, और ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये नेता बोलते हैं हिंदी में, तो ये नेता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर ये जो शीर्ष परवलय का शीर्ष अगर मूल बिंदु पे होता है, ठीक है, परवलय का शीर्ष अगर मूल बिंदु पे होता है, मूल बिंदु का मतलब क्या बेटा, अगर ये ओ आपका 0.0 पर होता है तो जो परवलय की नाभि होती है वो तब 1.0 होती है, जो कि हमने ले रखी है। और फिर नेता का जो समीकरण होता है, अब एक एक चीज़ करके लिखवाऊंगा अभी क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा, तब जो नेता का समीकरण होता है अगर ये अगर शीर्ष ओरिजिन है तब नेता का समीकरण आपका x-a होता है। ठीक है, नेता का समीकरण तब क्या होता है, x-a। अगर आप मुझसे बोलोगे सर एक डिटेल में वीडियो बना दो इस टॉपिक पर कि क्यों होता है कैसे होता है हर एक चीज़, तो वो मैं बना दूंगा, बट अभी जितनी चीज़ हमें चाहिए वो मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो नेता का समीकरण क्या हो गया बेटा, x बराबर। अब ये जो फिगर मैंने बनाया इसका जो जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण, मैंने बोला ना चार टाइप के हैं, तो पहला टाइप जो बताया, अगर पहला टाइप समझ गए बाकी चार तो फटाफट हो जाएंगे। ये जो मैंने बनाया y2=4ax का, किसका बनाया, 4ax। यहाँ पर 4a क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ये जनरल समीकरण है इसके लिए। ठीक है, ये जो है ना ये आपका क्या है बेटा, y2=4ax, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन का है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ बनेगा ये, और अगर जनरल देखो जो x-- नेगेटिव, अगर ये वाला नेगेटिव की तरह जा रहा है तो ये वाला ऐसा होता है माइनस के 4ax, ये वाला होता है x2=4ay, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये वाला होता है x2=-4ay। अभी एक एक करके चीज़ें बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। तो यहाँ तक समझ में आ गया भैया, पैराबोला क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से बिंदुओं का वो कलेक्शन जो आप वो जो जिनकी दूरियाँ आपस में बराबर हो, जैसे AP1 PF1 AP2 P2F1 A3 P3 P3F1। ठीक है ना, ये सब दूरियाँ आपस में बराबर होगी तभी जाके उसे आप क्या बोल पाओगे, परवलय बोल पाओगे, तभी उस पद को हम क्या बोल पाएंगे, परवलय बोल पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एक चीज़ के लिए ना आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, जो पूछेगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि करके कि वो कैसे निकाली जाएगी। अब मैं आपको बताऊँगा कि लेटस रेक्टम क्या होता है, नाभि लंब क्या होता है। ये हमारी नाभि है, ठीक है, नाभि से लंब, नाभि लंब है ना, तो नाभि लंब क्या होता है ये अब क्वेश्चन में निकालने के लिए भी बोलेगा। ये जो दूरी है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, नाभि लंब की जो लंबाई होती है, ये जो लंबाई है इसे हम बोलते हैं नाभि लंब, क्योंकि लंबवत दूरी है ये। ठीक है, नाभि लंब जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम निकालने का भी एक शॉर्टकट है। अगर y2=4ax दे रखा है ना, तो ये जो 4a होता है वो आपका नाभि लंब की लंबाई होती है, नाभि लंब की लंबाई। ये शॉर्टकट तरीका है, बट कैसे आता है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा डिटेल में। ठीक है, सो नाभि लंब की लंबाई कैसे निकलेगी, अगर ये पॉइंट मुझे पता हो जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट अगर मुझे पता हो जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। सो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये सेंटर मैंने ले लिया तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, ए होगी, ये डिस्टेंस मेरी ए होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ मेरा बेटा ए हो जाएगा, और यहाँ नीचे मेरा माइनस के ए हो जाएगा। मुझे दिक्कत आ रही है वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट तुम कैसे निकाल सकते हो। देखो, ये जो इक्वेशन है वो है y2=4ax, उसी के लिए हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, है ना, ये चीज़ हमारे पास है। अब आप देखो, सिंस ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, सिंस x=2 आपका क्या है बेटा, ए है, तो x के जगह पर जब तुम a रख दोगे, y2=4 into a, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 4a2, तो y की वैल्यू आ जाएगी ±2a। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 2a हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा। अब इनकी बीच, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, तो ये जो दूरी आएगी, देयरफॉर जो ए बी आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ना, तो वो सॉल्व करके आपको कितना मिलेगा, 4।
ये जो 4a होता है ये आपकी होती है नाभि लंब की लंबाई, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं, नाभि लंब, जीवा बोलते हैं इसको, क्योंकि सर्कल रूप में दिखता है ना, तो इसे जीवा बोलते हैं। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई ये हुआ, ठीक है, जो कि आपको निकालने के लिए बोला जाएगा एक क्वेश्चन में, ठीक हो गया। अब ये तो बात रही हमने एक जनरल फिगर के बारे में बताया। अगर फिगर अब चार टाइप के इक्वेशन है ना, चार टाइप के इक्वेशन आपके पास है, अगर इन पर क्वेश्चन आ सकता है तो क्या क्या आ सकता है, तो मैं फिगर बना बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो फिगर बन, मैं नंबर वन तो मेरा हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी मैं रिवाइज करवा दूँगा, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, ठीक है। सबसे पहले फिगर की हम बात करते हैं जो अभी हमने बनाया, ठीक है। ये मैंने किसका बनाया अभी, ये मैंने अभी किसका बनाया, ये मैंने बनाया वाई स्क्वायर इज़ टू 4ax का। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये f मेरा नाभि है, ये इसका निर्देशांक होता है 1,0, ठीक है। ये मेरी क्या होती है बटंगनीता, जिसका समीकरण होता है x बराबर माइनस का a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये मेरा क्या होता है बटा, ये मेरा शीर्ष होता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले का चित्र है वाई स्क्वायर इज़ टू माइनस के 4ax। इसके लिए चित्र कैसा बनेगा, इसके लिए चित्र बनेगा बेटा ऐसा, ठीक है। और ये मेरा वो है, तो इसके लिए उल्टा हो जाएगा, जो नेता का समीकरण होगा वो होगा एक्स बराबर प्लस के बस, और जो फोकस होगा वो होगा, जो फोकस होगा नाभि जो होगी माइनस 1,0 होगा, बस चेंज कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो, ठीक है, शीर्ष तो मेरा वही रहेगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा बन सकता है वो बनेगा बेटा ये मेरा, इसका जो व्यापक समीकरण होगा वो बच्चों होगा एक्स स्क्वायर इज़ टू 4ay, अगर ऐसा होगा वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, और इसका जो नेता का समीकरण होगा वो होगा वाई बराबर माइनस के ए, ठीक है, बाकी सब कुछ तो वैसे ही है। ये मेरा शीर्ष, अब इसमें अगर मैं बनाऊँ तो इसमें जो नेता का समीकरण बनेगा वो बराबर पर वाई बराबर ए बनेगा, शीर्ष मेरा ये हो गया, ये नेता का समीकरण हो गया, नेता हो गया, और इसका जो जनरल समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर इज़ टू माइनस के 4ay, ठीक है। ये बेसिक्स के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, एक एक करके करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम, ओके बच्चों। सो क्वेश्चन पे आ जाओ बिना किसी देरी के, और क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो लेवल है वो और ऊपर आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट और निखर के आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज हमारा है 11.2, प्रश्नावली हमारी क्या है 11.2। आ जाओ पहले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नेता का समीकरण और नाभि लंब के जीवक की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेन कहाँ रख दिया मैंने, हाँ पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो दिया गया समीकरण क्या है, ऐसे लिखेंगे दिया है, दिया है परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण में क्या दे रखा है बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इज़ टू 12x, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो तुलना है, की तुलना, प्लस के एक्स दिख रहा है ना, इसकी तुलना वाई स्क्वायर इज़ टू 4ax से कर देंगे हम, 4ax से करने पर, ठीक है, इससे हम की तुलना हमने इससे कर दी। अब देखो जैसे ही देखो यहाँ 4a के स्थान पर क्या है, 4a के स्थान पर 12 है, 7 12, तो a का मान कितना आ गया 3। जैसे ही का मान 3 आ जाएगा ना, तुम्हारा लगभग सब धड़ाधड़ निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 का मान 3 आ गया, अब
जो जो तुमसे पूछा है वो तुम फटाफट निकालते रहो। सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? परवलय की नाभि। तो तुम्हें नाभि निकालनी है। नाभि क्या होता है बेटा? क्योंकि वो ये वाला इक्वेशन के लिए नाभि क्या होता है? 1,0 होता है, तो 1 का मान 3,0 हो जाएगा, पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला है परवलय का अक्ष क्या होगा? परवलय का अक्ष देखो एक्स के लिए बना है ना, एक्स एक्सिस पर है, तो परवलय का अक्ष y = 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फिर बेटा फिर बोला नेता, नेता का समीकरण, नेता का समीकरण इसमें क्या होता है? x - a। सो मैं a कितना है बेटा? 3 है, माइनस का 3 अंदर के क्या हो जाएगा? प्लस के 3। ये हमारा आ जाएगा नेता का समीकरण। ठीक है, जैसे ही ए आया ना तुम्हारा धड़ाधड़ सब निकलता गया। उसके बाद क्या है बेटा, हमें क्या निकालना है? नाभि लंब जीवा की लंबाई। नंबर लास्ट क्या है हमारे पास? नाभि लंब, अरे यार लंब लिखना था, नाभि लंब की जीवा, लेटेस्ट रेक्टम है ना, की लंबाई, यानी कि वो होता है 4 है। 4 ही कितना है? 12। या फिर एक का मान रख के भी दिखा दो आंसर। देखो एक एक चीज़ हमने आराम से निकाली है, कितना आसान है आप खुद देख पा रहे। अगर कहीं पर भी डाउट दिक्कत लगे बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना, ऐसे ही गिवअप मत करना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, इतना आसान है। नंबर 2, x² = 6y। ठीक है, दिया है परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण इस बारे में क्या दे रखा है? x² = 6y की तुलना किससे करनी पड़ेगी? x² = 4ay। तो 4a के स्थान पर कितना दे रखा है बेटा? 6 दे रखा है। ठीक है, 2 × 4, 2 × 3 = 6, तो 1 का मान आ जाएगा, ये 2 × में इधर के बट्टे में 1 का मान आ गया 3/2। वाई एक्सिस पर है, ठीक है, वाई एक्सिस पर है, तो देखो क्या हो जाएगा? परवलय की नाभि। सबसे पहले मैं क्या निकालना है? परवलय की नाभि क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस के लिए 0, a। ठीक है, परवलय की नाभि क्या हो जाएगी? 0, a। तो 0, a कितना है बेटा? 3,2। ये आ गया पहला आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेता का समीकरण, नेता का समीकरण का सूत्र होता है वो होता है y = -a। ठीक है, तो माइनस का ए इधर आके प्लस का ए हो जाएगा, 1 का मान भी मैं रख देता हूँ आंसर। चाहो तो तुम इसको सरल कर सकते थे, बट यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, 2y, इसको आगे सरल करोगे तो 2y + 3/2 = 0। तो हल करोगे तो आ जाएगा 2y + 3/0। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर क्या बटन लेटेस्ट रेक्टम का निकालना, परवल है नाभि लंब की लंबाई, वो 4a के बराबर होता है। 4a हमारे पास कितना था? देखो 6 था, डायरेक्ट यहाँ 6 रख दो आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से बन गया हर एक क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत तकलीफ महसूस हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन में। 3rd क्वेश्चन, ठीक है, देख पा रहे हैं, तो दिया है क्या दे रखा है? y² = -k8x, ये में दे रखा है। तो इसकी तुलना y² = -k4x से कर देंगे, करने पर
तो देखो 4 a के स्थान पर कितना है बेटा, 8 है, 4 × 8 माइनस से माइनस हट गया ना, तो a बराबर कितना हो गया 2। एक का मान ही हमें चाहिए, ए आते ही हमें सब कुछ फटाफट मिलने लग जाता है, ठीक है। अच्छा पहले वाले में हमने निकाला नहीं था क्या, ऐसे दूसरे वाले में कि अक्ष क्या होगा, ठीक है, परवलय का अक्ष क्या होगा, तीसरे वाले में निकाल देंगे, टेंशन मत लो। तो देखो एक्स की तरफ है ना, परवलय का अक्ष निकालना है ना, परवलय का अक्ष। अच्छा बताओ परवलय का अक्ष क्या होगा, तीसरे नंबर में परवलय का अक्ष क्या होगा बेटा, कमेंट करके बता सकते हो, ये होगा एक्स अक्ष, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमारा ए आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है ना, ए आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। मैं ए तो 2 मिल गया, लेकिन आपका नाभिक क्या होता है इसमें ध्यान रखना, माइनस है, ठीक है, तो इसका नाभिक क्या होता है, माइनस ए कोमा 0, यानी कि माइनस के 2,0 आ जाएगा पहला आंसर, ठीक है। फिर हमें निकालना क्या है बेटा, नाभि निकल गया, नेता का समीकरण, नेता का समीकरण, नेता का समीकरण इसमें होता है एक्स बराबर ए। ए कितना है बेटा यहाँ पर, माइनस के 2, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 2, ये दूसरा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर सूत्र कुछ लग रहा हो तो फटाफट कॉपी में नोट करके लिख लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब नाभि लंब की लंबाई, नाभि नाभि लंब के जीवा की लंबाई वो क्या होता है बच्चों, 4a। तो 4a का मान कितना था, 8 के बराबर था। दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो प्लस में ही लिखना, माइनस में मत लिख देना, ठीक है। तो ये सब हमारा आंसर आ गया, तो परवलय का अक्ष एक्स अक्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ एक्स स्क्वायर इज टू माइनस के 16y। अब देखो क्योंकि चार टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पांचवा और छठा खाली मोली करवा के टाइम वेस्ट नहीं करना, इसे आप खुद करोगे, ठीक है। पांचवा छठा भले ही देख के करो मेरे वीडियो से, कैसे कैसे क्या सर ने किया, वैसे वैसे आप भी करो, और मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि इसका क्या 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 है, इसका क्या 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 है, ठीक है। मतलब क्या क्या मतलब निर्देशांक क्या है, परवलय के अक्ष क्या है, नेता का समीकरण क्या है, नाभि लंब की लंबाई क्या है, ये सब आपको निकालना है, ठीक है। पांचवा छठा मैंने होमवर्क दे दिया, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, दिया है करके लिखेंगे, क्या दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्व टू माइनस के 16y, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, समीकरण नंबर 1 की तुलना, एक्स स्क्वायर इक्व टू 4y से, वाई से करने पर, जब हम करेंगे तुलना तो देखो बेटा 4a के स्थान पर कितना है, माइनस के 16, 4 × 16, तो a का मान क्या आ गया, माइनस के 4, यहाँ माइनस लगाओ, माइनस लगाना पड़ेगा ना, इससे जब करेंगे तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, नाभि निकालनी है, ठीक, एक एक चीज़ करके निकालेंगे। सबसे पहले देखो बेटा वाई आया है, इधर क्या है, वाई है, तो अक्ष क्या होगा, अक्ष आपसे पूछेगा, अक्ष आपका हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक है। फिर आपका नाभि, ठीक है, नाभि क्या होगा इसके लिए, क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है, तो नेगेटिव की नेगेटिव में वाई एक्स में, तो इसका क्या होगा, 0, -a, यही होता है ना, ठीक है। जीरो, ए का मान कितना है, 4 रख दिया आंसर। फिर आपसे क्या निकालना है, नाभि भी हो गया, उसके बाद नेता का समीकरण, नेता का समीकरण इसमें क्या होता है बेटा, नेता का समीकरण वाई बराबर माइनस का ए, तो माइनस का ए इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का ए बराबर 0। देखो नेगेटिव था ना,
इधर ही मान रख रहे हैं। ई का मान कितना है? 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, इधर के माइनस का 4 हो जाएगा। आंसर y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर हमें निकालना नाभिलंब, नाभिलंब की जीवा की लंबाई, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों? 4a होता है। 4a ये कितना आया था बेटा? माइनस का 4 आया था, लेकिन आपको 4 ही रखना है क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं। चाचा को 16। आंसर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो पांचवा और छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, और ये आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। पांचवा छठा क्वेश्चन कमेंट में मुझे आंसर बताना किसका क्या क्या आ रहा है, ठीक है। हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में प्रबलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करे, ठीक है। दिए गए प्रतिबंधों को हमें क्या करें? संतुष्ट करें। चलिए करते हैं कि करके। सातवें में दे रखा सबसे पहले नाभि और नीता दे रखा है x बराबर माइनस के 6। इन चीज़ों को नोट करना है। आपको हिंट देगा क्वेश्चन कि कौन से में बनेगा, नाभि वगैरह वगैरह जो भी दे रखा होगा ना उसी से आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। कुछ पन्ने ले लेता हूँ, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। सो देखिए, सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7वां है। क्या दिया हुआ है हमें बेटा? पहले वाले पे आ जाओ, नाभि दे रखी है, नाभि भी देखना आइडिया लग जाएगा। नाभि हमें दे रखा है 6,0। और क्या दे रखा है बेटा? नीता हमें दे रखा है, नीता दे रखा है x बराबर माइनस के 6। प्लस के 6 है चूँकि नाभि 1,0 बराबर 6,0 है, यही दे रखा है कि नहीं? यही दे रखा है। सो मेरे पास दो तरीके हैं। आपको रेफरेंस बुक में आपको कुछ अलग अलग दे रखा होगा, लेकिन मेरे पास जो तरीका है वो दूसरा तरीका है, ठीक है। नाभि मेरा 6,0 है, तो नाभि का फॉर्मूला क्या होता है? 1,0। यहाँ से आपको a बराबर 6 मिल गया, चूँकि नीता आपके पास x बराबर माइनस के ये है कि नहीं? तो ऐसे लिख सकते हो, चूँकि a बराबर 6 व नीता x बराबर माइनस a, अर्थात परवलय का मानक समीकरण, मानक समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax होगा। अब किताब में दूसरे तरीके से, मतलब रेफरेंस बुक में दूसरा तरीका अपना रखा है, मैं आसान तरीका अपना रहा हूँ एकदम। तो 4a का मान कितना है बेटा? 6x, यानी y स्क्वायर आ जाएगा 4×24x, ये आपका आंसर रहेगा। y स्क्वायर का मान कितना होगा? 24x। आप अपने NCERT से मिला के देख लो, ठीक है। बट बाकी लोगों ने दूसरे तरीके से कर रखा है, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ हो गई, 7वां हो गया। 8वां कैसे करेंगे? ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां हमारे पास नाभि है 0,-3 व नीता क्या है बेटा? नीता हमारे पास है वाई बराबर प्लस के 3। सो इससे हमें आइडिया ये लग रहा है, नाभि देखो बेटा, नाभि हमारा 0,-1 के फॉर्म में है, जो नीता है वाई बराबर ए के फॉर्म में है, अर्थात परवलय का मानक समीकरण किस रूप में होगा? परवलय का मानक समीकरण वो होगा, देखो माइनस में है और वाई बराबर पॉजिटिव के ए है, ठीक है ना। तो इस और वाई एक्स में है, तो यानी कि बेटा इसका जो मानक समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इसका 2 माइनस है, तो माइनस के 4ay होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ से बेटा देखोगे तो तीन है और वाई है, तो एक्स स्क्वायर इसको चार दिया बारह माइनस के वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान तरीका है आंसर्स निकालने का। बाकी रेफरेंस बुक में या फिर कोई और टीचर आपको दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं, इसका दूसरा एक तरीका भी है बट वो लेंथी है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो कि बेसिक और इजी तरीका वही मैं आपको समझा रहा हूँ। आठवां हो गया ना नवाब, शीर्ष आपको दे रखा है। अच्छा शीर्ष आपका क्या दे रखा है, 0.0 दे रखा है, ठीक है। नाभी आपको 3.0 दे रखी है। अभी मैंने आपको बताया इससे चित्र से आइडिया बनाओ, देखो नाभी आपका 3.0 है, ये आपकी नाभी है, ये है 3.0 और ये जो शीर्ष आपका है ये वाला पॉइंट ओरिजन है 0.0 है, ठीक है। सो यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या हुई, ए हुई, तो नाभी आपका 3.0 हो गई, ये एफ है। फिगर बना के भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या बोले, क्या निकालना है, परवलय का समीकरण निकालना है। चूंकि नाभि 3.0 व शीर्ष मूल बिंदु है, अर्थात मानक समीकरण, परवलय का जो मानक समीकरण होगा वो क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होगा, ठीक है। ऐसे चित्र बना के दिखाना, एक स्थान पर कितना है बच्चों, तीन है, तो 4 × 3x, तो वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा प्रत्यय 12x आंसर, ठीक है। एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, फालतू के बड़े बड़े तरीके में लगा ही नहीं रहा, समझ लो आप। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। सिमिलरली आपका 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है शीर्ष वही है, शीर्ष आपका केंद्र है मतलब मूल बिंदु है, ठीक है, और नाभि आपको दे रखा है माइनस के 2.0, अरे भाई माइनस के 2.0 ये तो ऐसे बनेगा, शीर्ष ये जो बिंदु मेरा ओ है ये 0.0 दे रखा है, ठीक है, और जो एफ दे रखा है वो दे रखा है, जो नाभि दे रखी है वो दे रखी है माइनस के 2.0, ठीक है। तो जो मानक समीकरण होगा इसके अनुरूप वो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 4ax, यही होगा है कि नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा, एक स्थान पर कितना है बेटा, 2 है ना, माइनस तो प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरफ है, एक स्थान पर 2 है x, तो वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस के 8x, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको इसी तरीके से ही करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है, एकदम आसान तरीके से मैं करवा रहा हूँ हर एक चीज़ को। बाकी अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से कर रखा है बट वो टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैं नहीं करवा रहा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 12वां, शीर्ष आपको दे रखा है और बोल रहे 5.2 से ज़्यादा है, ठीक है, वाई एक्स के सममित है, एक्स एक्स के अनुदिश है। तो ये दोनों क्वेश्चन शानदार है और ईजी हैं, मतलब जैसे आपका 11वां हो उसी तरीके से 12वां होगा। नंबर 11 पे आ जाऊँ, देखो शीर्ष आपको दे रखा है, शीर्ष आपको दे रखा है 0.0 और एक बिंदु दे रखा है जिससे वो परवलय होकर जाता है, बिंदु हमें क्या दे रखा है 2.3। टेंशन लेने का नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्या बोला गया है हमें क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष के अनुदेश है, चूंकि एक्स अक्ष के अनुदेश है तो परवलय का मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या हो जाएगा, मानक समीकरण वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अगर मुझे ए पता चल जाता है तो मुझे फटाक से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि यह 2.3 से जाता है,
तो देखो x की जगह पर आपको 2 रखना है, y की जगह पे 3, 3 का वर्ग 4a और x की जगह पे 2, तो 3 3 9, 4 2 8, तो a का मान आ जाएगा 9/8। ठीक है, अब a मिल गया, अब यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अतः परवलय का समीकरण वो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज टू 4x था, 4 ए का मान कितना 9/8 एक्स, 4 2 8, तो वाई स्क्वायर इज टू हो जाएगा 9/2x। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आंसर, या फिर 2y² इज टू 9x यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, जो आपको सही लगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 पे आ जाओ, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहे शीर्ष आपका 0.0 है और 5.2 से ज़्यादा है। ठीक है, चलो शीर्ष दे रखा है हमें कितना 0.0 और बिंदु हमें दे रखा है 5.2। चूंकि ये वाई अक्ष के सममित है, चूंकि यह वाई अक्ष के सममित है, वाई अक्ष के सममित है, तो बेटा जो परवलय का मानक समीकरण होगा वो क्या होगा, अतः परवलय का मानक समीकरण वो आपका हो जाएगा वाई एक्स के अनुदिश, वाई एक्स है तो एक्स स्क्वायर इज टू 4ay होगा। ठीक है, चूंकि यह 5.2 से जाता है, तो देखो बेटा आपको एक्स की जगह पे 5 रखना है और 4a वाई की जगह पे आपको 2 रखना है, तो ये 25 4 2 8 यहाँ गुड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा। सो ए का मान आपको मिल गया 25/8, ए के मान को उठाओ यहाँ रख दो, अतः समीकरण 1 से 4 ए का मान कितना है बेटा 25/8 और यहाँ पर है वाई 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर इसका टू आ गया 25/2, इधर गुड़े में आ जाएगा 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने एकदम आसान तरीके से कर ली है। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन मैंने आपको इसी तरीके से समझाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घवृत्त जैसे एलिप्स कहते हैं उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो हम एकदम आसानी के साथ समझेंगे और करेंगे। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।